तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। त्रिशिरा, तुम मुझे इधर पकड़ने आओगे तो मैं कूद कर उधर चला जाऊंगा। ये लो वानर बालक। मैं वहां नहीं, यहां हूं। आओ आओ, पकड़ो मुझे। शिराजी, छका दिया वानर, परंतु मैं तुझे बचकर जाने नहीं दूंगा। अभी पकड़ता हूँ। हनुमान को इस असुर को चकमा देने में आनंद आ रहा है, परंतु अभी एक क्षण भी गवाना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें क्षीण हो रही हैं। दिन छिपने से पहले ही मुझे नंदों का उपचार करना होगा, अन्यथा इसको विष रहित करने का मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु इस असुर से कैसे छुटकारा पाऊं? मुझे देखकर हंस रहे हो वानर बालक? यहाँ वहाँ कूदना तो तुम वानरों की प्रवृत्ति है। कब तक कूदते रहोगे? कभी तो मेरे हाथ आओगे। आप सत्य कह रहे हैं त्रिशिरा जी, मैं अधिक देर तक आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। अन्यथा आप अपनी ध्वनि तरंगों से हनुमान को आहत कर देंगे, परंतु उस ध्वनि तरंग से आपके सिवा और कोई नहीं बच सकता। मैंने आपकी वो घातक ध्वनि तरंग आपकी ओर लौटा दी थी। वो आपसे टकराई, इसके पश्चात भी आप जीवित हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब तक त्रिशिरा के शरीर का एक भाग धरती में स्थित रहेगा, उसका संहार करना असंभव है। इसीलिए मैं अपने शरीर का एक भाग धरती के भीतर रखता हूँ। त्रिशिरा स्वयं ही मेरी युक्ति में फंस रहा है। अर्थात आपका संपूर्ण शरीर धरती के बाहर हो, तभी आपका वध हो सकता है। और बिना त्रिशिरा के इच्छा के बिना कोई भी बलपूर्वक उसके शरीर को धरती से बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। ये अकस्मात हनुमान को क्या हो गया है? वो उस दुष्ट असुर से इतनी बातें क्यों कर रहा है? अब ज्ञात हुआ, इसका वध करने के लिए किसी युक्ति से इसे स्वेच्छा से पृथ्वी से बाहर निकालना होगा। इसे पृथ्वी से बाहर निकालने का उपाय भी सूझ गया। त्रिशिरा जी, यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो थोड़ा ऊंचा उठकर ले लीजिए। मैं वचन देता हूँ, यदि आपने इसे छू लिया तो मैं इन्हें लेने से रोकूंगा नहीं। अंडे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Thank you.
अभी इसे पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ा और ऊपर जाना होगा। एक बार पुनः प्रयास कीजिए। यदि आपने मुझे छू भी लिया, मैं इन अंडों के साथ आपको शीघ्र समर्पण कर दूंगा। हनुमान क्या कर रहा है? इसके सामने समर्पण करने का अर्थ है कि हनुमान की मृत्यु। तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी छूकर तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। कुछ तो युक्ति लगा रहे हैं हनुमान भैया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इसीलिए कहते हैं त्रिशरा कि लालच बुरी बला है। तुम हम तीनों को आराम से खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे, किंतु लोभवश तुमने वो किया जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है। छोड़ दो मुझे। मैं धरती के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें वो प्राप्त करा दूंगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। हनुमान, इस असुर को कदापि मत छोड़ना, अन्यथा इसका जीवन सुरक्षित होते ही ये पुनः हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है हनुमान। हाँ हनुमान, अब सूर्य कभी भी अस्त हो सकता है। इसको छोड़ने का अर्थ है हमारा उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। त्रिशिरा, तुमने दूसरों को अनेकों कष्ट दिए, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी इसका पता तो तुम्हें अब चल रहा होगा। संध्या होने को, स्वामी अभी तक लौट कर नहीं आए, मुझे तो चिंता हो रही है। मंत्री जी से पूछती हूँ, संभव है उनके पास कोई सूचना या समाचार। ये सुमेरों की सेना तो नहीं, ये तो किष्किंधा की सेना है। किंतु किष्किंधा की सेना यहां क्या कर रही है? कहीं किष्किंधा ने सुमेरु पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? यदि मेरा संदेह सही है और किष्किंधा ने महाराज और पुत्र हनुमान की अनुपस्थिति में सुमेरु पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं हनुमान, इन असुरों का स्वभाव होता है छल कपट करना, इसे कदापि मत छोड़ना। हाँ भैया हनुमान, ये तो हमें अपना आहार बनाने वाला था, इसका विश्वास किया तो संभव है ये पुनः हमारे प्राणों को हरने की चेष्टा करे। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में किसी को भी नहीं सताओगे। इसे मत छोड़ो हनुमान, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं हनुमान, इसका विश्वास मत करना। त्रिशिरा, आपका विश्वास कर मैं आपको मुक्त करता हूँ। सखा, आंजनेय कर मंगल करनी, सकल ताप भव पाप हारनी,
देव कृपा सुविमलताकारी दूषण दुख शाप बहु भारी सबको विनशय मारुति धीरा पल में मिटे कोटि जुग पीरा जुगन जुगन तुमरी प्रभुताई जय महावीरा जगत गोसाई। रुक जाइए आप लोग चिंता मत कीजिए हनुमान आपके साथ है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ हनुमान आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मिथ्या बोलना और लोगों का विश्वास तोड़ना यही मेरा स्वभाव था इसीलिए मैं श्रापित हुआ। सदियों से इस रूप में भटक कर अन्य जीवों को मैं प्रताड़ित करता रहा परंतु आज आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे मोक्ष प्रदान किया है तो आप धन्य है हनुमान। आपका ये उपकार हमेशा मुझ पर रहेगा हनुमान। तुमने त्रिशिरा को मोक्ष देकर प्रवाल द्वीप की रक्षा की है। प्रवाल द्वीप अचानक इतना हरा भरा हो गया है ये द्वीप पहले जैसा हो गया है तो हमारे लिए विषैले करणी पुष्प को ढूंढना और सरल हो गया है। परंतु समय तीव्र गति से निकलता जा रहा है हमें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करना होगा। हाँ हनुमान भैया सही कह रहे हैं इन अंडों का स्याहा पड़ता रंग इसका संकेत है कि इन पर विष का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। मैं अभी शीघ्र उड़कर वैशाल्यकरणी पुष्प ढूंढ कर लाता हूँ। उसके लिए आपको और श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो हनुमान। तुमने मुझे और संपूर्ण प्रवाल द्वीप को त्रिशिरा के आतंक से मुक्त किया है इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम्हारे यहाँ आने का अभिप्राय मुझे ज्ञात है इसलिए मैं विशल्यकरणी पुष्प स्वयं लेकर आया हूं जिससे आपके प्रयोजन में और विलंब ना हो। धन्यवाद ऋषिवर। अब तुम सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। सूर्यास्त होने ही वाला है हमारे पास बहुत ही अल्प समय है। श्वेत हो रहा है
हमारे अंडों पर से विष का प्रभाव समाप्त हो रहा है। हनुमान भैया ने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं यहाँ सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करने आया हूँ। यदि सुमेरु समर्पण कर दे तो यह कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना होगा। सुग्रीव, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे हनुमान। समस्त गरुड़ लोक सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा हनुमान। तुमने इन अंडों की रक्षा कर हम गरुड़ों के भविष्य को बचाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ गरुड़ राज्य चलो, जहाँ सब गरुड़वासी तुम्हारा अपने प्रति आभार व्यक्त कर सके। हनुमान, प्रणाम ईश्वर। कल्याण हो। देवियों, आप सबको यहाँ देखकर मैं चकित हूँ। मुझे आप सबसे भेंट की अपेक्षा नहीं थी। महाराज, हमें अंडों की चिंता सता रही थी, इसलिए हमने निर्णय लिया और आपके पीछे पीछे चली आई। चलिए। संसार में आने ही वाले हैं।
के दर्शन करके मुझे भी अपनी माँ के पास जाकर दुलार करवाने की इच्छा हो रही है। तुम्हारे पिता महाराज ऋक्षराज और महाराज केसरी जी के बीच घनी मित्रता है। ऋक्षराज के परिवार को महाराज केसरी ने अथवा मैंने कभी भी अपने परिवार से पृथक नहीं समझा। अनेकों बार स्वयं अपने हाथों से तुम्हें भोजन परोसा है मैंने, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, वो भी तब जब स्वयं महाराज केसरी और मेरा पुत्र और तुम्हारा प्रिय मित्र हनुमान यहाँ उपस्थित नहीं है। हनुमान, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ। कुशलता से जाओ पुत्र। प्रणाम माताओं। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम ऋषिवर। ध्यान आ रहा है, हनुमान को सुमेरु माँ के पास पहुँचना होगा। उत्तर दो सुग्रीव, तुमने अपनी सेना के साथ सुमेरु में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? विवश हूँ मैं माता अंजना। विवश हो? मित्र राज्य पर आक्रमण करने की विवशता मेरी समझ से परे है। मुझे ज्ञात है सुग्रीव विवश क्यों है। स्वामी देखिए ना, आपकी अनुपस्थिति में सुग्रीव ने हमारे साथ कैसा विश्वासघात किया है। प्रणाम काका केसरी जी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र सुग्रीव। अंजना, सुग्रीव की व्यवस्था को मैं भली भांति जानता हूं। दोष सुग्रीव का नहीं, वाली का है। वाली पथभ्रष्ट हो गया है, भटक गया है अपने मार्ग से। उसने स्वयं को किष्किंधा का महाराज घोषित कर दिया, मित्र ऋक्षराज को बंदी बना लिया। अब राजा मैं हूं, मेरे आदेश का पालन करो। बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें। उसी ने भेजी है सेना सुग्रीव के साथ। जाओ और सुमेरु को अपने अधीन कर लो, और यदि काका केसरी तुम्हें रोके तो उन्हें भी समाप्त कर दो। काका केसरी जी, जब से वाली भैया की मित्रता रावण से हुई है, तब से उन्होंने सारी मर्यादाओं को भुला दिया है। सर्वप्रथम आप उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करें युवराज पाली। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए युवराज। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। अब आपके समस्त स्वप्न पूर्ण होंगे महाराज बाली। महानता के शीर्ष पर आपको पहुंचाएगा आपका मित्र रावण। जो उनकी इच्छा होती है वो वही करते हैं। मुझे तो उन्होंने आपका वध कर सुमेरु पर अधिपत्य स्थापित करने का आदेश दिया है। ये युवराज सुग्रीव को क्या हो गया? ये महाराज वाली के विरुद्ध हो गए तो वे तो इनका वध ही कर देंगे। कुसंगति मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक हर लेती है। वो उचित और अनुचित का मार्ग भूल जाता है। मर्यादा और धर्म के मार्ग को भूलकर कुपथ के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अतः
वो स्वयं के ही अंत और पतन का कारण बनता है। दुख मुझे इस बात का है कि वाली पर अनुचित मार्ग का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि मैं उसे उचित मार्ग पर लाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। काका केसरी, तब पूर्ण करने के पश्चात वाली भैया अत्यंत ही शक्तिशाली हो गई। उनका विरोध करना असंभव है, इसीलिए मैं भी उनका आदेश पालन करने के लिए बाध्य हूं। सावधान! यदि किसी ने राजकुमार सुग्रीव पर प्रहार करने का प्रयास किया तो ये कोकट उसके प्राण हर लेगा। हनुमान, तुम्हारी इस दृष्टता के पश्चात भी तुम जीवित हो तो वो इसीलिए क्योंकि मेरा पुत्र हनुमान यहाँ नहीं है, अन्यथा वो अपने पिता और सुमेरु के महाराज केसरी जी के अपमान करने का तुम्हें कठोर दंड देता। महाराज बाली की शक्ति के आगे आपके पुत्र का बल कुछ भी नहीं है महारानी। महानतम महाराज बाली सर्वशक्तिमान है, अब उन्हें आपका पुत्र हनुमान भी परास्त नहीं कर सकता। महानतम वाली की शक्तियों में और भी वृद्धि हो गई है। यद्यपि वाली महानतम उड़ नहीं सकता, किंतु ऋषि कुंभज की सहायता से महानतम वाली अब पहले से अधिक स्फूर्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहां अवश्य ही पहुंच सकता है। मरकट हनुमान, वाली की प्रतीक्षा कर। वाली को तुझसे द्वंद्व युद्ध करके तुझे पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता। महानतम वाली को प्रवाल द्वीप पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया, अन्यथा वो मरकट वहां से जीवित नहीं जाता। निसंदेह वो त्रिशिरा का वध करके सुमेरु ही गया होगा। अब मैं भी सुमेरु जाकर उसका वध करूंगा। समय पश्चात मैं अपने पिताश्री के स्नेह और माँ की दुलार से वंचित रहा था, किंतु आज उनके इस सुखमय दर्शन के लिए कितना अधीर हो रहा हूँ मैं। मैं शीघ्र आ रहा हूँ माँ और पिताश्री आपसे मिलने। मेरे आदेश अनुसार सुग्रीव, उस मरकट हनुमान के सुमेरु पहुंचने से पूर्व ही मेरे अर्थात सुमेरु के महाराज महानतम वाली का आधिपत्य स्थापित कर चुका होगा। काका केसरी जी, यह सब मेरे लिए भी इतना ही दुखद है जितना आपके लिए, परंतु मैं विवश हूं। यदि मैं किष्किंधा के वर्तमान महाराज वाली भैया के आदेश से बंधा नहीं होता तो मैं स्वप्न में भी आपका शत्रु बनकर आपके या प्रिय मित्र हनुमान के राज्य में कभी प्रवेश करता ही नहीं। सुग्रीव, मैंने अपने मित्र ऋक्षराज को वचन दिया है कि मैं वाली का अहित नहीं करूंगा,
उसे सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करूंगा। इसीलिए मैं कारागृह से उसे बिना बताए चुपचाप उसका सामना किए बिना चला आया, किंतु मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूं ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूं। सुमेरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। काका केसरी, मैं ये युद्ध टालने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि हम शांतिपूर्वक सहमत हो जाएं, सुमेरु को अपने अधीन करने के लिए तुम मुझे सहमत नहीं कर सकते सुग्रीव। मैंने तुम्हें अपने पुत्र हनुमान के समान माना है, परंतु सुमेरु की सुरक्षा मेरा धर्म है। मैं सुमेरु की स्वतंत्रता नष्ट होने नहीं दे सकता। यदि तुम उसके लिए बाध्य हो तो अपना धर्म निभाओ, युद्ध करो मुझसे, रणभूमि में पराजित करो मुझे। महाराज केसरी जी, मैं महाराज वाली की आज्ञा का अवमानना नहीं होने दूंगा। शांतिपूर्वक किष्किंधा की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा मैं आपका वध करके किष्किंधा की प्रभुता स्थापित कर दूंगा। मेरी राज्यसभा के नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है कोकट। मैं तुम्हारे शत्रुवत और दुष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। तुम इस समय पुत्र सुग्रीव और मेरे मित्र ऋक्षराज के प्रतिनिधि हो। वाली भैया, कितना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। लगता है उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है वाली भैया। वाली भैया, वाली भैया, वाली भैया, नहीं, शांत हो जाइए आप सब। कोई किसी पर वार नहीं करेगा, कोई युद्ध नहीं होगा यहाँ पर। सुग्रीव, हम सब वाली का शुभ चाहते हैं। उसमें निहित उसके समस्त सद्गुणों को निखरता हुआ देखना चाहते हैं। उस संगति से प्रभावित होकर वो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पाप करने से रोकें, किंतु आप सभी इसके विपरीत उसकी आज्ञा मानकर उसके पाप का भागी बनकर यहाँ चले आए। वाली भैया, वाली भैया, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो मायावी मरकट मुझे पुकार रहा हो। मैं अभी आता हूँ आपके पास। मरकट, हाँ।
इस मरकट से अधिक घृणा मुझे और किसी से नहीं। वाली भैया प्रणाम। वाली भैया, मैं तो अपनी माता श्री और पिताश्री से मिलने सुखद कल्पना से खोया सुमेरु चला जा रहा था, परंतु मार्ग में आपके दर्शन होंगे इसकी तो हनुमान ने कल्पना भी नहीं की थी। वाली भैया, आप यहाँ कैसे और आपकी तपस्या कब पूर्ण हुई? कहाँ जा रहे हैं आप? आप मेरे साथ चलिए ना सुमेरु, हम दोनों साथ चलकर माँ और पिताश्री को चकित कर देंगे। सुमेरु पहुंचकर चकित तो तुम होते हनुमान, परंतु अब तुम स्वयं मेरे सामने आए हो, तो इस बार मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। आप ये तो बताइए, आपको अपनी तपस्या से क्या वरदान प्राप्त हुआ? अवश्य ही कोई बड़ा वरदान प्राप्त हुआ होगा, इतनी घोर तपस्या जो की है आपने। जब वाली तुम्हारी आदि शक्ति प्राप्त कर उनका प्रयोग तुम्हारे ऊपर ही करेगा, तब तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि मुझे क्या वरदान मिला है। वाली भैया, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किसी कारणवश मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना? घृणा करता है वाली तुमसे, मरकट घृणा। वाली भैया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, परंतु अनुज के समान हनुमान को अपने गले से तो लगाइए। वाली भैया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, परंतु अनुज के समान हनुमान को अपने गले से तो लगाइए। लगाइए। वाली भैया, वो आश्चर्य है, मेरे इतने कठोर प्रहार का इस मरकट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाली भैया, हनुमान से कोई अपराध हुआ है क्या जो आप उसे दंड दे रहे हैं? यदि अपराध भी हुआ हो तो उसे अनुज की भूल मानकर हनुमान को क्षमा कर दीजिए ना। तुम्हारे अपराध का दंड मृत्यु है मरकट। ओहो, मैं अब समझा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने कितनी शक्तियाँ अर्जित की हैं, है ना वाली भैया? वाली भैया नहीं, महानतम महाराज वाली कहो। वरदान प्राप्त करने के पश्चात जिससे भी मैंने युद्ध किया है उसकी आधी शक्ति तुरंत मुझ में समाहित हुई है, परंतु इस मरकट के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
मुझे और बार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः प्रयत्न करता हूं। मुझे और बार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः प्रयत्न करता हूं। वाली भैया, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मुझे ढूंढने? किंतु मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ। अब इस पर मेरे इस वार के पश्चात इसकी आधी शक्ति मुझे अवश्य प्राप्त होगी। परंतु इसके पश्चात भी इसकी आधी शक्ति इससे निकलकर मुझ में विलीन क्यों नहीं हो रही है? वाली भैया, कब तक परीक्षा लेंगे मेरी? अब तो बताइए। शक्तियों में कितनी वृद्धि हुई है? अब आप ये परीक्षा समाप्त कर दीजिए, अन्यथा आप थक जाएंगे। बिना इसकी शक्ति प्राप्त किए इस मरकट को पराजित करना महानतम वाली के लिए भी कठिन है। वाली भैया, अब तो आपको ज्ञात हो गया है ना कि मेरी शक्तियों में कितनी वृद्धि हुई है? अब आप ये परीक्षा समाप्त कर दीजिए, अन्यथा आप थक जाएंगे। बिना इसकी शक्ति प्राप्त किए इस मरकट को पराजित करना महानतम वाली के लिए भी कठिन है। शक्तियों को जानना चाहते हैं? तो इसमें इतना परिश्रम क्यों? मैं अभी दिखा देता हूँ। तेरी शक्तियों का विवरण नहीं, मुझे तेरी आधी शक्ति चाहिए मरकट। नारायण नारायण, वाली कैसे नंदन हनुमान की आधी शक्ति पाना चाहता है? परंतु वो भूल रहा है कि उसको प्राप्त वरदान के अनुसार ये तभी संभव है जब हनुमान शत्रु भाव लेकर वाली के सम्मुख आए। परंतु हनुमान तो उसके प्रति प्रेम से ओतप्रोत है, परंतु वाली कदापि समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि को घृणा और क्रोध ने कुंठित कर दिया है। इसलिए वाली हनुमान पर वार करता रहेगा और हनुमान के हृदय में व्याप्त सरल प्रेम उनको वाली के वरदान से सुरक्षित रखेगा। नारायण नारायण, आपके तप पर जाने के पश्चात
मुझे देवियों और देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते। अनेक प्रकार के वरदान मुझ में समाहित है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए वाली भैया, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी देह का आकार बदल सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगी। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। देखा वाले भैया, आप ये देखिए। चला गया मरकट। वाली भैया, आप मुझे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं आपके कान के कुंडल के समीप स्थित हूँ। इतना घटा लिया है मैंने अपनी देह का आकार। हनुमान हट जाओ। अरे अरे वाली भैया, आप क्या कर रहे हैं? वाली भैया, आपको ज्ञात है मैं अपनी श्वास के प्रवाह से बड़े बड़े पर्वत हिला सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। क्षमा कीजिएगा वाली भैया, मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि। अच्छा, मैं एक और शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। मैं प्रज्वलित अग्नि का रूप ले सकता हूँ। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। वाली को सचेत कर उसे कुपथ से सन्मार्ग पर लाने में उसकी और उसके समूचे राज्य की भलाई है। माता अंजना, मुझे तो ये भी भय है कि वाली भैया स्वयं यहाँ ना आ जाए। सुमेरु को अधीन करने का अर्थ है सुमेरु से युद्ध करने का अर्थ है हनुमान और वाली भैया का युद्ध। जो वाली भैया के लिए घातक से हो सकता है। हाँ पुत्र सुग्रीव, इस बात का भय तो मुझे भी है। मैंने मित्र ऋक्षराज को वाली की सुरक्षा का वचन दिया है। वो यहाँ आ गया तो उसकी रक्षा करना कठिन हो जाएगा। किसी प्रकार वाली को सुमेरु और हनुमान से दूर रखना होगा। देखिएगा वाली भैया, ये मरकट कहीं इस पर्वत को उठाकर मेरे ऊपर तो नहीं फेंकने वाला।
मुझे वाली भैया को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उससे पूर्व मुझे उन्हें हनुमान के सम्मुख आने से रोकना और भी आवश्यक है। कोकण, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकना और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किष्किंधा और सुमेरु की शांति भंग हो। जी, अभी कुछ मैं कहूंगा तो महाराज केसरी जी मेरा वध कर देंगे, परंतु उचित समय पर मैं महाराज वाली को अवश्य सूचित करूंगा। राजकुमार सुग्रीव अपने महाराज के प्रति नहीं, महाराज केसरी जी और उनके पुत्र हनुमान के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। वाली भैया, आपने देखा, मैं इन चट्टानों को कितनी भी दूर फेंक सकता हूँ, परंतु ये तो अभी भी छोटी हैं। इनसे भी बड़ी बड़ी चट्टान उठाकर दिखा सकता हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी बड़ी चट्टान नहीं है, अन्यथा आपको उठाकर दिखाता। यह मरकट अपनी शक्ति दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु इसे ज्ञात नहीं है कि मेरे वरदान से इसकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं इससे कहीं अधिक बलवान हो जाऊंगा। परंतु मुझे ये ज्ञात करना है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। इतने भोले और निष्कपट है हनुमान, बाली के घृणित प्रयोजन का उन्हें लेश मात्र भी अनुमान नहीं है। परंतु माधव, एक बात समझ में नहीं आई कि बाली हनुमान के प्रेम से परिपूर्ण निर्मल पवित्र मन को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। प्रिय, जिस व्यक्ति के हृदय में घृणा और प्रतिशोध के भाव वास करते हैं, उसकी दृष्टि कुछ भी अच्छा नहीं देख पाती। वो अन्य लोगों में भी अपनी प्रति छाया ही देखती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रति सुविचार रखने वालों को भी अपमानित और तिरस्कृत करते हैं। यदि वाली हनुमान के प्रति शत्रु भाव त्याग दे तो हनुमान उसको आदि क्या अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित कर दे। परंतु वाली ये बात समझ नहीं पा रहा है। सत्य है, घृणा से वशीभूत होकर व्यक्ति धर्म अधर्म, अपना पराया और यहां तक कि अपने हित अहित के विषय में भी कुछ समझ नहीं पाता, जिसका परिणाम सदैव उस व्यक्ति का विनाश ही होता है। वाली भैया, प्रतीत होता है आप मेरी और परीक्षा लेना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि मेरी भुजाओं में कितनी शक्ति है, ये जानना चाहते हैं ना आप? क्यों वाली भैया, अब तो आप जान गए ना कि मेरी भुजाओं की शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है। आनंद आ रहा है ना वाली भैया? वाली भैया संभल के। वाली भैया, अब तो आप संतुष्ट है ना कि आपकी अनुपस्थिति में हनुमान ने समय व्यर्थ नहीं किया? अब तो मेरी परीक्षा पूर्ण हुई ना, तो हनुमान को अपने गले से तो लगा लीजिए।
गले लगाइए ना वाली भैया। वाली भैया और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? वाली भैया, हनुमान को तो ज्ञात है कि आप परम शक्तिशाली हैं। यदि हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो हम सारे असुरों का विनाश करके हरि भक्तों की सेवा करेंगे। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। हरि भक्तों के बल के साथ हम दोनों सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं। प्रतीत होता है कि आप मेरी युद्ध कौशल की परीक्षा ले रहे हैं, है ना वाली भैया? भैया को क्या हो गया है? मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, मुझे अपने गले से नहीं लगाया, बस निरंतर भांति भांति की परीक्षा ही लिए चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार? वाली भैया, अरे वाली भैया, नीचे आ रही है मुझे। मरकट को तो शिलाओं के नीचे होना चाहिए था, ये यहां कैसे आ गया? कायरों के भांति छुपो नहीं, सामना करो मुझ महानतम वाली का। परीक्षा लेते लेते कहाँ चले गए वाली भैया? वाली भैया, हनुमान, वाली भैया किसका पीछा कर रहे हैं? हनुमान, हनुमान कहाँ हो? ये तो बड़ी तीव्र गति से मेरे पीछे आ रहे हैं। इन्हें यहाँ पहुंचकर मुझे पकड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे इन्हें भ्रमित करने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ।
हनुमान, यदि साहस है तो सामने आओ मेरे। वीरों की भांति युद्ध करो मुझसे। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर? तो आओ, मुझ महानतम वाली पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। कायरों की भांति छुपो नहीं, मेरे सामने आकर युद्ध करो मुझसे। सकता है यदि इसमें वाली भैया थोड़ी देर के लिए भी घूम जाए तो मुझे हनुमान को उनके सम्मुख आने से रोकने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान, हनुमान बाहर निकलो, हनुमान कहाँ छुप कर बैठे हो? वे दोनों इसी गुफा के भीतर गए होंगे। हनुमान, अरे सुग्रीव भैया अभी यहाँ है, कहीं आप दोनों मिलकर हनुमान से क्रीड़ा तो नहीं कर रहे? हनुमान कहाँ छुप कर बैठे हो? नहीं हनुमान, ये कोई क्रीड़ा नहीं है, अब तो ये गंभीर बात है। पहले हमें वाली भैया की दृष्टि से बचकर कहीं छुपना होगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ गंभीरता से बताऊंगा। आ जाओ। क्या हुआ सुग्रीव भैया, आप मुझे वाली भैया से क्यों छुपा रहे हैं? उन्हें भी आप बुला लीजिए ना। हनुमान, वाली भैया में बहुत ही परिवर्तन आ चुका है, हमें उनसे छुपना आवश्यक है। हनुमान! वाली भैया पुकार रहे हैं, उसको बाकी भीतर अवश्य वो किसी संकट में होंगे। नहीं नहीं हनुमान, तुम उनके पास नहीं जा सकते। वाली भैया संकट में नहीं है, बल्कि वाली भैया हमारे लिए संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं सुग्रीव भैया? मेरा विश्वास करो हनुमान, जब से वाली भैया तप पूर्ण करके लौटे हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। मुझे इस घुमावदार गुफा में भटका कर ये मत सोचो कि तुमने बहुत चतुराई का काम किया है। कभी न कभी तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। तू अभी आओ मेरे सामने। मैं तुम्हें वाली भैया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, परंतु यहाँ नहीं, सुमेरु चलकर, वहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। क्या सुमेरु में मेरी आवश्यकता है? वहाँ सब सकुशल तो है ना? इतना अधिक मैं बताने के लिए समय नहीं है हनुमान, बस इतना समझ लो कि तुम्हें वाली भैया से कदापि नहीं मिलना है और अतिशीघ्र सुमेरु पहुँचना है। परंतु हनुमान, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ, विश्वास करो मेरा हनुमान, और शीघ्र सुमेरु के लिए प्रस्थान करो। हनुमान, इसके पूर्व वाली भैया यहाँ आए, तुम शीघ्र ही सुमेरु पहुँच जाओ हनुमान। जी सुग्रीव भैया। कुछ तो गंभीर बात अवश्य ही है।
किष्किंधा की सेना सुमेरु में क्या कर रही है? सुग्रीव भैया वाली भैया से मुझे दूर क्यों करना चाहते थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताश्री, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, तुम्हारे आलिंगन से सुखद मेरे लिए क्या हो सकता है? मंगल कर घर आए हनुमन, पिता मिलन आनंदित उन्मन, गृह आगमना महा सुखारी, नेत्र मुदित निज लाल निहारी, मातु पिता से मिलन सुयोग, प्रेम प्रबल ममता कर योग, भरी आए जल व्याकुल नैन, मन प्रबोध नहीं निकरत बैन। पिताश्री, मेरे लिए भी आपके साथ से अधिक बहुमूल्य और कुछ भी नहीं है। हनुमान, पिताश्री, किष्किंधा के कोकट जी यहाँ क्यों उपस्थित हैं? और उनकी सेना भी दिख रही है। पिताश्री, जब मैं प्रवाल द्वीप से लौट रहा था तो वाली भैया मुझे मार्ग में मिले थे। बड़ा ही विचित्र सा व्यवहार कर रहे थे। मेरी शक्ति परखने के लिए उन्होंने अनेकों वार किए मुझ पर। सुग्रीव भैया आए, उन्होंने शीघ्र ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा। महाराज वाली तुम्हारी शक्ति परख नहीं रहे थे, वो तुम्हारा वध करने के लिए तुम पर वार कर रहे थे। हमारे यहाँ किष्किंधा की सेना का सुमेरु में होने का एकमात्र उद्देश्य है सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करना। यदि सुमेरु ने महाराज वाली की अधीनता स्वीकार नहीं की तो किष्किंधा की सेना सुमेरु पर आक्रमण कर देगी। तुम्हारा भविष्य तो निश्चित है, महाराज वाली के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो, परंतु मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आ रहा हूं मैं सुमेरु, और यदि तुम भी सुमेरु में हो तो मैं भी वहीं आकर तुम्हारा वध कर दूंगा। कोकट जी, अवश्य ही वाली भैया परिहास कर रहे होंगे, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। सत्य क्या है तुम्हें ज्ञात नहीं है हनुमान? बस कोकट, हनुमान को ज्ञात कराने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी अंजना, कोकट, मा, मा,
बेलाल। हो तुम, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर भी तुमने संदेशा तक नहीं भिजवाया अपनी कुशलता का। माँ आपके बिना तो हनुमान भी नहीं रह सकता। यदि मेरा बस चले तो मैं आपके आंचल से कहीं भी दूर नहीं जाऊं। मेरे लाल, अरे इतने दुर्बल दिखाई दे रहे हो, प्रतीत होता है भोजन नहीं किया तुमने इतने दिनों। नहीं माँ, ये तो आपकी ममता भरी दृष्टि को लग रहा है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ, किंतु जैसा हनुमान पहले था वैसा ही है। बस बस चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। तुम पहले जाओ और स्नान करो। आज तो बड़ा ही माँ बनाएंगी पकवान, जी भर खाएगा हनुमान। माँ बनाएंगी पकवान, मन भर खाएगा हनुमान। मैं जानती हूँ आप सबके लिए मेरा पुत्र एक योद्धा है, रक्षक है, संकट मोचन है, सुमेरु का युवराज है। किंतु एक माँ के हृदय से पूछिए, उसके लिए तो वो अब भी उसका नन्हा सा पुत्र ही है। हनुमान सदैव जगत के कल्याण के लिए अपनी माँ से दूर रहता है। उसे अपनी माता से मिलने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, अतः हनुमान को उसकी माँ के साथ रहने दें। उसे इस प्रकरण से दूर रखें। हनुमान बहुत दिन पश्चात अपनी माँ के पास लौट कर आया है। ये माँ अपने एक मात्र पुत्र पर अपनी ममता अपना स्नेह लुटाना चाहती है, इसीलिए हनुमान को इस राजनीति से दूर ही रखिए। इस माँ पर बड़ी कृपा होगी आप सबकी। की ममता ऐसी ही होती है, भले ही पुत्र जगत के संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान ही क्यों ना हो, मां की दृष्टि में तो पुत्र सदैव अबोध बालक ही होता है। पुत्र भले ही बड़ा हो जाए किंतु मां का निस्वार्थ प्रेम, पुत्र की कुशलता की चिंता सदैव ऐसे ही बनी रहती है जैसे बाल्यकाल में बनी रहती थी। मां की यही कभी ना क्षय होने वाली ममता उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित करती है। अतः कभी मां का अनादर नहीं करना चाहिए। जप तप व्रत से अवश्य पुण्य मिलता है, परंतु उससे भी अधिक पुण्य मिलता है मां की सेवा से। खीर तैयार हो गई? हो रही है महारानी जी। सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, इसमें मैं थोड़ा और मेवा डाल देती हूँ। अच्छा, अब इसे कुछ क्षण तक ऐसे ही चलाते हैं और फिर शीतल करने के लिए रख देना, ठीक है? जी।
अरे लड्डू नहीं बने अभी तक, शीघ्रता से हाथ चलाओ। हनुमान स्नान करके आता ही होगा, उसके आने से पूर्व लड्डू बन जाने चाहिए। चलो मैं भी मदद करती हूँ। आज इतने दिनों पश्चात हनुमान मेरे हाथ के बने हुए लड्डू खाएगा। अरे ये आमफल ऐसे क्यों पड़े हैं? इनका आमरस कब बनाओगी तुम? चलो शीघ्रता से बनाओ। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी, आमरस मैं बना दूंगी। अंजना रसोई मैं संभाल लूंगी। हनुमान स्नान कर चुका होगा, तुम जाओ उससे जाकर सज्जित करो। बालकों को अपनी माँ के हाथों से सज्जित होने में बड़ा आनंद आता है। जी माँ। हनुमान के आते ही निष्प्राण से हुए राजभवन में चैतन्यता सी आ जाती है, उमंग और उल्लास सा छा जाता है। हाँ माजरिका, और अंजना का उल्लास तो देखने योग्य होता है। आशा है इस बार अंजना को हनुमान पर अपनी ममता लुटाने के लिए अधिक समय मिल जाए। निश्चित निश्चित ही वो मरकट सुमेरु गया होगा, परंतु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी शक्ति वाली भैया में पूरी गुफा ही ढह गई। वो सुमेरु की दिशा में गए हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना कर दें। मेरा उन्हें रोकना आवश्यक है। जिनकी सुगंध है माँ, अब तो एक क्षण भी नहीं रुका जाता, बहुत भूख लगी है। अभी भोजन परोसती हूँ। तुमने किया ना? पश्चात आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन जो मिलने वाला था कहाँ है सारा भोजन? सखा हुआ हनुमान,
भोजन आरंभ करो पुत्र। ये पहला ग्रास चिड़िया का। आनंद, अति आनंद माँ। ये द्वितीय ग्रास गैया का। गौरी की गैया का। माँ, आपके ये स्नेह भरे स्पर्श से भोजन अमृत बन जाता है। स्वर्ग के दिव्य भोजन में भी ऐसा आनंद कहाँ जो इस भोजन में है। और ये ग्रास माँ के लिए हनुमान का। और ये ग्रास हनुमान के लिए माँ का। ये क्या हो रहा है? वाली, वाली यहाँ? सिंहासन पर आसीन काका केसरी जी, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझ महानतम वाली के आदेश की अवज्ञा हुई है आपके सुमेरु की राजसभा में। काका केसरी जी, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की आपने? या सुग्रीव को अधीनता स्वीकार कराना आया ही नहीं? वाली, काका केसरी जी, स्वर मध्यम। और कहाँ है वो भीरू सुग्रीव और आपका पुत्र हनुमान जो मुझ महानतम वाली के भय से भागकर यहां कहीं छुपने आ गया होगा? माँ, अवश्य ही कोई अनहोनी घटी है। माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। किंतु हनुमान, कहां छुपकर बैठा है हनुमान? सुग्रीव, जिसके लिए उस हनुमान की मित्रता मुझ महानतम वाली के आदेश से भी बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है भैया। वाली भैया,
तो आपको समझाना चाहता था कि अपनों से वैर अपना ही विवाद। मुझ महानतम वाली के आदेश का उल्लंघन कर मुझे ही समझाओगे तुम? ये इतना साहस आया कहां से तुम में? भैया मैं तो बस! मेरे आदेश की अवहेलना करने का दंड मिलेगा तुम्हें, दंड मिलेगा तुम्हें, दंड मिलेगा तुम्हें। हनुमान, राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।